मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मातृ मृत्यु की समीक्षा रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें पन्ना में 18 माह में 32 गर्भवती महिलाओं के खून की कमी के कारण मौत होना बताया जा रहा है। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर, जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की कहानी बयां कर रहा है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है, जहां पर आदिवासी महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक अभियान और योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन सभी कागजों तक सीमित रह गई हैं, क्योंकि जरूरतमंदों को इनका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। और नतीजा ये है कि इलाज के अभाव में और खून की कमी के कारण गर्भवती महिलाएं दम तोड़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य मिशन अब पूरी तरह से कमजोर पड़ गया, क्योंकि जिले में स्वास्थ्य विभाग का बजट जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। जिले भर में 1000 से अधिक गर्भवती खून की कमी से जूझ रही है। मातृ मृत्यु की समीक्षा में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आधा दर्जन गर्भवती की मौत की वजह गंभीर खून की कमी रही, जो कि गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव ज्यादा होने से खून की कमी से जूझती रही। देखिए, गर्भवती महिलाओं को अपनी जांच कराते रहना चाहिए। हीमोग्लोबिनोमीटर हर एएनएम के पास हमारे यहाँ उपलब्ध है। हीमोग्लोबिनोमीटर से तत्काल एक बूंद खून से उनकी जाँच की जा सकती है। यदि खून की कमी है, उसमें हम लोग तीन तरह से एनीमिया को डिवाइड करते हैं, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड। यदि माइल्ड है तो उसमें आयरन फोलिक एसिड की गोली खाएं, वो भी गोलियां कम से कम 6 महीने तक खाना चाहिए, या सिरप है तो सिरप पसंद है सिरप लें, और गोली पसंद है तो गोली खाएं, 6 महीने तक गोलियां खाना चाहिए। और उसके बाद यदि बॉर्डर है तो आयरन सुक्रोज की जो है ड्रिप लगती है, आयरन सुक्रोज की ड्रिप हर CHO में, हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। कम से कम नहीं तो 5 बार जो आयरन सुक्रोज लगवाना चाहिए, जिससे उसका एनीमिया दुरुस्त है। उसके बाद खाने पीने में अपना खाना पीना अच्छा खाना चाहिए। यदि सीवियर एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आके जिला चिकित्सालय में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले सकती हैं। 2 बोतल ब्लड हम लोग जो है विदाउट डोनर देते हैं। सर, एनीमिया के जिस प्रकार से पन्ना जिले में केसेस निकल रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, इसके लिए क्या अपन तैयारी कर रहे हैं? उनका खाना पीना, उनका जो है पौष्टिक आहार लेना चाहिए गर्भवती माताओं को, क्योंकि एक बच्चा भी पेट में रहता है, तो इसलिए खाना पीना उनका स्वाभाविक है कि अच्छा होना चाहिए। खाने में पौष्टिक आहार लें, हरी सब्जियाँ लें, फल लें, दूध लें और पनीर खाएँ। यदि नॉन वेजिटेरियन है तो मछली खा सकती हैं, अंडा खा सकती हैं। सर, जिला अस्पताल में अभी आंकड़े निकले हैं 1 साल के, जिसमें 32 महिलाओं की मौत बताई जा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये तो गर्भवती माताओं की मौत हो जाती है, एक तो उसमें कई कारण हैं, कई जो है चीज़ें हैं कि उस समय पे उनको जो है अपना जांच नहीं कराती हैं, कई चीज़ें हैं, उनको ब्लड प्रेशर रहता है, कई बीमारियाँ रहती हैं। 32 मौतें जो है 9 महीने की होंगी, 9 महीने में हुई हैं, कई कारण रहते हैं, एनीमिया भी एक कारण, उनमें से कारण एनीमिया है। सर, लगातार गर्भ में धारण बच्चे होना, उसके बाद 1 से 2 से अधिक बच्चे होना, ये भी कोई एक कारण होता है क्या? हाँ, ज़्यादा बच्चे होंगे, यदि खाना पीना अच्छा नहीं है तो ये कारण है, बहुत बड़ा कारण है। ये तो ज़्यादा बच्चे हैं, शरीर यदि तैयार नहीं है दूसरे बच्चे के लिए, और आप यदि गर्भ धारण कर लिए, जो कि हमारे यहाँ साधन उपलब्ध हैं कि स्पेसिंग की सुविधा लें, माने निरोध का उपयोग करें, माला इनकी गोलियाँ खाएँ तथा जो है कॉपर टी लगवाएँ, ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं हमारे जिला चिकित्सालय में, फ्री में उपलब्ध हैं। स्पेसिंग कर सकती हैं और समय बढ़ा सकती हैं, उसके बाद गर्भधारण करें तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, मां की जान भी बची रहेगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में डिलीवरी होने के 42 दिन के अंदर 27 प्रसूताओं ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान ही बेहतर खान पान और देखभाल के अभाव में हीमोग्लोबिन की कमी आ गई। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने से हालत नाजुक हुई और मौत हो गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम पटेल ने बताया कि खून की कमी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं के साथ ये कंडीशन आती है, जिसका मुख्य कारण खान पान और प्रॉपर मेडिसिन न लेने के कारण एनीमिया हो जाना है। इसका तो सबसे पहला कारण हो गया खान पान में प्रॉपर ना होना महिलाओं का, ठीक है, उनका न्यूट्रिशन बहुत ही कम लेती हैं। दूसरा इन्फेक्शंस होते हैं, जो क्रीमी इन्फेक्शन होता है, जो उनका जो हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन ना करना, जो मेनली एनीमिया हम किस में देखते हैं, लोग लोअर सोशल इकोनॉमिक जो फीमेल्स होती हैं, जो गरीब होती हैं, उन्हीं में देखा जाता है। तो उनका एक वही हो गया, गरीबी की वजह से उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाती, पानी वगैरह उनका साफ नहीं रहता है, हैंड वॉश के टेक्निक यूज़ नहीं करती है। तीसरा, उनका एजुकेशन का प्रॉपर ना होना, जिसकी वजह से वो बार बार माँ बनती हैं, गर्भ निरोधक जो भी सुविधाएँ गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है, महिलाओं का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही होती। शिक्षा के अभाव का सबसे बड़ा कारण होता है, कि कारण मतलब
वो इन सब चीज़ों को से बहुत वंचित होती हैं। फिर इसके बाद होता है गर्भपात कराना, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए वो बिना हमारे डॉक्टर के संपर्क में आए हुए वो दवाइयाँ खा लेती हैं बच्चे गिराने के लिए, काफ़ी समय तक ब्लीडिंग जाता रहता है, हमारे पास समय सही समय पर आ नहीं पाती हैं कि हम उनको सुरक्षित गर्भपात के बारे में बता पाएँ, ये हो गया। और फिर मेनली बस मैम जागरूकता के लिए कोई इसके लिए विशेष जागरूकता के लिए तो मेनली होता है कि उनको खान पान के बारे में बताया जाए, ऐसे डाइट के बारे में बताया जाए जिसको खाने से खून बढ़ता है, जो बहुत कम सस्ते दामों में भी उपलब्ध होता है। यूजली जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि सिर्फ अनार अंजीर खाने से ही खून बढ़ता है, लेकिन हर गरीब जो नॉर्मल मध्यम वर्ग के लोग डेली ये अपना नहीं सकते हैं, तो उनका ये रहता है कि और भी सस्ती चीज़ें मिलती हैं जैसे गुड़ चना मूँगफलियाँ, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का, तो आप उसको यूज़ करिए प्रॉपर खाने में। दूसरा होता है जो मैंने कृमि के लिए बोली, कृमि इन्फेक्शन जो हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं वो बहुत बड़ा कारण होता है, इसके लिए हम लोग को एक डिवॉर्मिंग जरूर करनी चाहिए। एवरी पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये डिवॉर्मिंग के लिए, कि सिंपल से एक एल्बेंडाजोल की टैबलेट आती है वो खा सकते हैं। समीक्षा रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं मैडम, उनको कम करने के लिए कोई और उपाय किए जा सकते हैं? उनके लिए ये हो सकता है कि उनको कम से कम फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूक करना, प्रॉपर चेकअप कराने के लिए सलाह देना, वो प्रॉपर गवर्नमेंट में आकर के महीने महीने डॉक्टर से द्वारा चेकअप कराएं, उनको पहचानना कि उनके खून की कमी हो रही है, उसका इलाज करना, सही समय पर इलाज कराना, और डिलीवरी के बाद में प्रॉपर एक उसके स्पेसिंग के लिए एडवाइस करना ताकि तुरंत वो माँ ना बन पाए, और अगर वो माँ बन जाती है अनचाहे प्रेगनेंसी है तो उसको सुरक्षित तरीके से उसका गर्भपात की सुविधाएँ दिया जाना, और डिलीवरी के बाद प्रॉपर आयरन कैल्शियम का सप्लीमेंट देना फीमेल्स को बचा सकता है। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, दिल्ली रोड, सागर।